हाँ, तो क्या हम कहाँ थे? बुक पे थे ना, स्टिफ्ट। ओके, कि भाई आई फाइनली स्टेट वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, मतलब वो स्टेट में वापस आ गई और उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। और अनलेश आई मतलब क्या कि ये वो क्या चाहती थी कि ये जो स्टिफ्ड पेपर नोटबुक मतलब डायरी के जो पेजेस होते हैं फर्स्ट और लास्ट, वो बहुत ज्यादा डायरी के कैसे हार्ड हार्ड कवर नहीं बोलते हम, तुम अगर ऑनलाइन परचेस करो तो आता है अमेजोन में देखोगे तो कोई एक बुक है वो सपोज 200 रुपीज की भी मिल रही है और वही बुक 400 रुपीज की भी मिल रही है। तो क्या है, पेपर क्वालिटी इज डिफरेंट एज वेल एज ये है पेपर बैक और ये है हार्ड कवर। हार्ड कवर थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है। ओके, तो डायरी भी वैसी होती है, तो वो नहीं चाहती कि ये स्टिफ्ड मतलब बहुत ज्यादा हार्ड बैक नोटबुक, जिसको हम रेफर किससे करते हैं, डायरी से, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। कोई पढ़े कब तक, कोई ना पढ़े, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड ना मिले कि भाई इतना क्लोज, अच्छा ठीक है तुम पढ़ो कोई बात नहीं, वैसे इतना जब तक कोई क्लोज ना मिले वो चाहती नहीं है कि ये बुक कोई भी पढ़े। एंड इट प्रॉबेबली वोंट मेक अ बिग डिफरेंस, तो भाई कोई डिफरेंस नहीं होता है कोई ऐसा रियल फ्रेंड मिले या ना मिले, क्योंकि ये डायरी ही मेरी रियल फ्रेंड है, तो मैं उसको सबके साथ सब कुछ मैं इसके साथ शेयर कर रही हूं। शायद देखो दो दो तीन चीजें होती है जब तुम ऐसा कुछ लिखोगे, तो पहली तो यही, क्या तुम नहीं चाहोगे कि ये कोई पढ़े, क्यों, यू विल हैव दैट फियर ऑल्सो कि ये पढ़ने के बाद दे पीपल विल बी जजमेंटल, वो हमें जज करेंगे कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है, इतने खराब थॉट्स आते हैं, थॉट है मैं क्या करूं, आते हैं मैंने नहीं लाए, लाइक दैट। ये तुम्हें ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब तुम्हारा लिखा हुआ किसी ने पढ़ लिया तो वो क्या सोचेंगे, ऐसे कैसे हो सकता, ये फालतू चीजें लिखने की क्या जरूरत है, कितने टाइप के उनके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, ये फालतू चीजें लिखी हुई है, ये टाइम वेस्ट है, अरे ये थॉट प्रोसेस है, इतना खराब सोचते हो, अरे तुम इतना अच्छा सोचते हो, तुम तो इतने अच्छे हो नहीं, इतना अच्छा कैसे सोच सकते हो, कितना कुछ वो कुछ कर सकते हैं, ये डर रहता है। ओके, इसीलिए हम ये किसी को दिखाना चाहते नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि कोई हमें भी सब कुछ बताए विदाउट बीइंग जजमेंटल, मतलब हम जजमेंटल ना हो, कहना आसान है, हाँ तुम मुझे बताओ मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगा, जज नहीं करेंगे, ये कहना आसान है जज नहीं करेंगे, करना डिफिकल्ट है, मैं ये सब एक्सपीरियंस के बेस पे भी कह रहा हूँ। ओके, ये कहना आसान है लेकिन हाँ जज नहीं करेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, ये वो कहना इजी है, बट हमारे पास भी माइंड है, हमारे पास भी अपने पास्ट के एक्सपीरियंस है, तो हम टूट पड़ेंगे सामने वाले पे, ये कैसे, लेकिन ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ये वो, और एक बार दो बार तुम टूट पड़े फिर सामने वाला बोलना बंद कर देगा, अरे कोई मतलब नहीं है, लाइक दैट। तो अगर रियली में किसी को फ्रेंड बनाना है तो वो जो पहले की दिया था वो पेपर जैसे बनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, फिर जब वो बोले कि अच्छा ऐसा, तब जाके बोलो, तब जाके अंदर से रियल, नहीं तो फिर पेपर को ही बनाओ कोई बात नहीं। तो पेपर को बनाओ, पेरेंट्स हैं रियल फ्रेंड, पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा से बात करो। फिर लोग बोलते हैं, देखो लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर बातें मम्मी पापा के साथ शेयर करनी चाहिए, नहीं आई डोंट थिंक सो। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि मम्मी और पापा की थॉट प्रोसेस क्या है। उसके ऊपर भी डिपेंड है, सबके मम्मी पापा की थॉट प्रोसेस सेम थोड़ी है, तो तुम शेयर कर रहे हो और किसी ने शेयर किया और उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसके मम्मी पापा थोड़े अंडरस्टैंडिंग नेचर के समझ गए, तुम शेयर करो और सिर्फ चमाटे पड़ने लगे, तो फिर बंद करो। लाइक दैट, क्यों, क्योंकि सबका अपना ब्रेन है, अपना पर्सपेक्टिव है, वो गलत नहीं है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, भाई उनको भी ऐसे नॉलेज मिलना नहीं था ना, सपोज पेरेंटिंग का पर्टिकुलर नॉलेज उनके पास नहीं था, तो उनके पास अभी भी वो पर्टिकुलर चीज नहीं है, तो पता कैसे चलेगा भाई, सपोज अंडरस्टैंडेबल ना, कोई नॉलेज किसी को ना हो तो हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, सपोज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चाय बना के लाऊं और तुम्हें पिलाऊं और फिर तुम बोलो सर ये क्या बनाया है, चाहिए ना, तो हाँ मैंने ट्राई किया, तो तुम फिर सिर्फ मेरी भावनाएं ही देखो कि भाई अच्छा सर ने हमारे लिए बनाई, वेरी गुड सर, अच्छा है, गुड ट्राई, तो
वो भावनाएं ही देखो, क्योंकि टेस्ट टेस्ट तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि भाई मैं रोज नहीं बनाता और मैं कुछ परफेक्ट नहीं हूं, मैं रोज बना रहा हूं किसी के लिए, ना कोई मेरी चाय की शॉप है तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाय मेकर हूं, तो हाँ भाई फालतू बनी होगी। ओके, तो अभी तुम्हें टेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें फीलिंग्स पे ही ध्यान देना है, लाइक दैट। तो मुझे नॉलेज नहीं है अच्छी चाय कैसे बनाते हैं, वो नॉलेज मुझे नहीं है, ये अगर बात तुम्हारे तुम्हारे माइंड में रहेगी तो तुम्हें हाँ गुस्सा नहीं आएगा, फिर चाहे मैंने तुम्हें पानी पिलाया हो या चीनी वाला पानी पिलाया हो तुम आराम से पी लोगे। लेकिन जो तुमने ऐसे सर ये चाय ऐसी चाय सर इच्छा अच्छा रहने देते भाई ओके तो हम अगर पर्टिकुलर नॉलेज रखेंगे कि अरे सर को थोड़ी एक्सपीरियंस है ये वो, तो गलत थॉट नहीं आएगी, नहीं तो ऑब्वियसली आएगी ही आएगी, नॉलेज रखना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं हमेशा कहते रहता हूं, अच्छी बातें हमारे माइंड में डालनी पड़ेगी, रोज नॉलेज डालना पड़ेगा, रोज मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छी बातें नहीं डालोगे तो हम कलयुग में जी रहे हैं, बुरी बातें ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी। तुम अच्छा देखो, अच्छा सर्च करके देखना पड़ता है, यूट्यूब पे देख रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो अच्छी चीजें पर्टिकुलरली अच्छा चैप्टर अच्छी चीजें अच्छी बुक ढूंढ के देखनी पड़ रही, और बुरी चीजें तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। ओके, एडवर्टाइजमेंट आएगी वहां से, यही लिंक पे गए वो लिंक पे गए, वीडियोस यूट्यूब रील्स ये वो कुछ ना कुछ। तो उसके लिए टाइम पास करने के लिए मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, पहले ये सब डिस्कस किया है ना हमने, दोस्त है गप्पे मारने बैठ गए ओके गॉसिपिंग, उसके लिए कोई ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कुल नहीं है, फिर भी साथ में टाइम पास हो रहा है। वही टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, पढ़ाई करनी है, कोई स्किल को डेवलप करना है, कोई हॉबी नई डेवलप करनी है, कोई नई चीज सीखनी है, पर्टिकुलरली एक घंटा तुम्हारे फ्रेंड्स लोग गॉसिपिंग कर रहे हो और तुम वो एक घंटा सपोज तुम्हें तैरना नहीं आता और तुम स्विमिंग क्लास चले गए रोज, तो वो एक घंटे वो लोग गॉसिपिंग कर रहे हो और तुमने वही एक घंटा भले ही पढ़ाई नहीं की, उन्होंने भी नहीं की तुमने भी नहीं की, लेकिन तुमने एक स्किल सीखी, तुम्हें स्विमिंग करना आ गया, तुम्हें गिटार बजाना आ गया, तुम्हें डांस करना आ गया, तुम्हें कुकिंग करना आ गया, तुम्हें फार्मिंग करना आ गया, कितनी कुछ अलग अलग डिफरेंट लाइफ की स्किल्स होती है लाइफ में, वो सीखी, तो दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और यहां पे वेस्ट ऑफ टाइम। सो ऑल दोस थिंग्स। हाँ, सो कहां पहुंचे थे हम? हाँ, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड me to keep a diary in the first place, I don't have a friend. तो भाई अब वो पॉइंट पे आ गई थी ओके कि अब उसको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऐसा कोई फ्रेंड है नहीं। तो जैसे मैंने तुम्हें अभी बता रहा था कि अगर कुछ है तो खुद ही ऐसे डायरी बनाओ लिखो एंड ऑल, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खुद ही बात करो, अगर तुम्हें कोई रिकॉर्ड नहीं रखना हो खुद ही अपने आप से एटलीस्ट थोड़ा बातचीत करो, थोड़ा 5 मिनट से स्टार्ट करो, फिर ऑटोमेटिकली तुम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, ये शायद मैंने तुम्हें पहले कहा हो, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि अगर तुम दिन में कम से कम एक बार अकेले नहीं बैठ रहे हो, खुद को एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो तुम दुनिया में तुम्हें जानने वाले सबसे अच्छे पर्सन से मिलने का मौका गंवा रहे हो। इतना बड़ा स्टेटमेंट कि तुम अगर पूरे दिन में थोड़े मोमेंट्स भी अकेले नहीं बैठ रहे, अकेले विदाउट एनीवन विदाउट गैजेट्स, तो दुनिया में सबसे अच्छा जो कोई तुम्हें समझता है वो है तुम खुद, उससे मिलने का मौका तुम गवा रहे हो। मतलब तुम्हें सबसे अच्छा कोई जानता हो वो है खुद तुम, उससे तुम मिल सकते हो कब, जब तुम अकेले हो, लेकिन अकेले तुम रहना नहीं चाहते हो, अकेले रहने में डर लग रहा है, गैजेट्स है बुक है गैजेट्स है, गाना गा रहे हो पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स के साथ सिबलिंग के साथ किसी ना किसी के साथ ही हो, अकेले रहने से डर लग रहा है, तो फिर तुम अपने आप से ही नहीं मिले, तुम खुद को ही नहीं जान रहे, तुम दुनिया जानने की बात कर रहे हो कि तुम्हें ये पता है, तुम्हारा खुद का माइंड कैसे काम कर रहा है, तुम्हारे खुद के थॉट्स कैसे काम कर रहे हैं, तुम्हारा खुद का बॉडी कैसे काम कर रहा है वो ही हमें नहीं पता और हम दुनिया जानने की बात कर रहे हैं। सो थोड़ा टाइम खुद बैठो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ये। ओके चलो,
तो अब ये पॉइंट पे आ गई कि कोई मेरा फ्रेंड नहीं है और अब मुझे लिखना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सो पेन पेपर को फ्रेंड बनाओ, और से पेरेंट्स, और से सिबलिंग, और से पर्टिकुलर कोई टीचर हो तो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाकर, क्योंकि नाउ डेज सबका दिमाग कैसा है डिफरेंट है, और सबके देखने के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। कोई फ्रेंड कैसे है, उनकी नीयत कैसी है, कोई टीचर कैसे है, अभी तो कलयुग चल रहा है, ओके, कोई टीचर की इंटेंशंस कैसी है, क्या सब कुछ शेयर करने योग्य है वो पर्टिकुलर टीचर, वो पर्टिकुलर फ्रेंड और पर्टिकुलर सिबलिंग्स, ओके, तभी शेयर करना। जैसे हम प्रेयर में बात करते हैं, हम किसी के बारे में भी गलत नहीं सोच रहे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बेस पे बता रहे हैं कि थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना। हाँ, पेरेंट्स के तो शेयर कर ही सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपना जो रिक्वायर्ड वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स भी सुन नहीं पा रहे, वो अपने अलग ही टेंशन में है, उनको टेंशन है तुम्हारे फीस पे करने की, तुम्हें हेल्थ, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रखने की, घर के खर्चे करने की, ये उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा लिस्ट है, वो अपनी तो वो क्या था वर्ड ऑफ द चेस्ट, वो कैसे करेंगे, ओके, वो अपने ऑफ माई चेस्ट में है और तुम अपना चेस्ट का सामान उन पे दे रहे हो वापस, ओके, तो फिर हम बोलेंगे यार वो सुनते नहीं है, थोड़े अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ये वो, अरे उनके पास अपना टेंशन है, वो अपने अलग से डायरी लिख रहे होंगे, तुम्हें नहीं पता, लाइक दैट, ओके, तो ऐसा लगे कि हाँ ठीक है शेयर करना, तो शेयर करो, पेरेंट्स से तो शेयर, सबसे अच्छा कोई हो तो आई फील पेरेंट्स, ओके, लेकिन वहां से अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हो तो फिर बाहर ढूंढने मत जाओ, पेरेंट्स से अच्छा कोई मिलने वाला नहीं है, कोई फ्रेंड, सिबलिंग, टीचर, आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स से तुम्हें ज्यादा समझने वाला कोई मिल जाए। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, सिबलिंग्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नहीं है वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, अदरवाइज पेरेंट्स और पेपर और से डायरी, ओके, ये लाइफ टाइम की एक्टिविटी है, क्योंकि अगर खुद को, जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला था, अच्छी एक्टिविटी करनी पड़ती है, बुरी आ जाएगी, तुम्हें गार्डन बनाना हो तो रोज पानी डालना है, फर्टिलाइजर डालना है, थोड़ी बहुत पेड़ों की ट्रिमिंग करनी है, ये वो, अच्छा रखने के लिए, जंगल बनाने के लिए कुछ मत करो, रहने दो वैसे, कहीं घास उगेगी, कहीं कुछ और हो जाएगा, ये वो, जंगल तो ऐसा ही होता है, लेकिन तुम्हें कुछ अट्रैक्टिव बनाना है, कुछ वर्दी बनाना है, तो भाई इतनी टाइम देना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके जैसे तुम्हारी लाइफ है, तो अगर कुछ एक बड़ा सा अच्छा पेड़ बनाना हो जिसमें से अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए, तो उसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, खुद को, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। तुम काम नहीं करोगे तो भी पेड़ तो बड़ा हो ही रहा है, लेकिन उसके फ्रूट खाने लायक होंगे या नहीं होंगे वो हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा। हाँ, कहां गई ये, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। बोले अब थोड़ा और क्लियरली मुझे बोल देंगे कि भाई एक 13 साल की लड़की कभी भी अकेले नहीं हो सकती, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 13 ईयर्स की लड़की कैसे यार अकेली हो सकती है, ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स उसके साथ है, हम ऐसा बोलेंगे ना, ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स उसके साथ है, पेरेंट्स नहीं है तो उसके सिबलिंग्स, उसके ब्रदर सिस्टर उसके साथ है, कोई तो होगा ही होगा ऐसा हम सोचते हैं, बट ऐसा था नहीं, मतलब इन वन सेंस वो अकेली थी। कौन बोलो, कौन बोलो, कारपेंटर ना भाई, मैं कोई कौन नहीं, तो भाई फोन कर रहे हो कि नहीं, ना ना, कहीं मिरर लगाना क्यों, ना 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 ना, मैं नहीं कहूँ, फोन तो स्विच ऑफ है, मारो एरोप्लेन मोड पर, मैं नहीं पैक फॉर पहला, ना भाई ये वो कह रहा हूँ, मैंने जिगर कर रहा हूँ, हाँ नहीं बजट, ये फोन तो चालू रहा, आ फोन चालू छे ना, हमना बंद करना छे, हम मेमोरी फुल थी गई, आ बधु वीडियो में जाए छे, दड़ 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 वो अकेली है,
लेकिन इन अनदर सेंस वो अकेली नहीं है, है उनके, उसके पास भी है पेरेंट्स. एंड आई एम नॉट, आई हैव अ लविंग पेरेंट्स, उसके बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं. एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, याद रखना कितने साल की है, 16 ईयर ओल्ड सिस्टर. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और ऐसे 30 पीपल है जिसको वो बोल सकती है क्या, अपने फ्रेंड्स कह सकती है. इतने सारे लोग है, पापा है, 16 इयर्स की बहन है, 30 लोग है जिसको मैं फ्रेंड बुला सकती हूं. लेकिन लेकिन होता है ना, आई हैव अ फैमिली, मेरी फैमिली है, लविंग आंट्स है, मौसा मौसी काका काकी सबको है, आंट्स, एंड अ गुड होम, अच्छा घर है, खाने पीने का सब कुछ ऐश ही ऐश है. बट नो, ऑन द अदर सरफेस, अदर पर्सपेक्टिव, अदर पॉइंट ऑफ व्यू, आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. तो उसने बोला उसके पास सब कुछ है, लेकिन 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 एक्सेप्ट 30 लोग है, आंट है, पापा मम्मी भाई बहन सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक ट्रू फ्रेंड नहीं है. ओके, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है, एक ट्रू फ्रेंड नहीं. ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. हाँ, वो जो 30 फ्रेंड्स है और हैविंग अ गुड टाइम, मतलब फ्रेंड मतलब क्या, अभी का फ्रेंड का मीनिंग ही ऐसा है, 100 इयर्स पहले भी वैसा था और अभी भी वैसा है. देखो क्या, चिल पिल, खाना खाओ, मूवी देखो, मजे करो, ये वो, पिकनिक विकनिक, दैट्स इट फ्रेंड. फिर आगे जाके तुम बोलोगे अरे यार ये थोड़ी पैसों की हेल्प चाहिए, कर दो यार, ये भी कर, शायद वो सही बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि गलत बोल रहा है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, ये तो ये है वो है, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी लगा दो भाई, मेरी नहीं लग रही, मेरी जॉब वो लोग छोड़ने वाले हैं, मैं कुछ तुझे कैसे लगाऊं, लाइक दैट. ओके, वो ही कुछ फंसे हुए हैं. ट्रू फ्रेंड्स क्या है कि भाई, वो ट्रू फ्रेंड्स वाली स्टोरीज आती है ना, जैसे जैसे कर्ण और दुर्योधन, ट्रू फ्रेंड्स भाई, दुर्योधन कर्ण को पता था ये भाई कहाँ फ्रेंडशिप कर ली, कहाँ से मतलब लोन ले ली, अब वापस तो करनी पड़ेगी, लाइक दैट. लोन ले ली लेकिन अब वापस तो करनी पड़ेगी, वापस करने के लिए अपनी जान दे दी, मर गए, पता था कि गलत रास्ते पे है, धर्म के साइड में है, फिर भी लोन ले ली, उसका उपकार ले लिया, ओके, बर्डन ले लिया, तो अब वापस तो करना पड़ेगा, कहीं से लोन ले ली तो वापस तो करनी पड़ेगी, बैंक चाहे कैसे भी हो, वैसे सिचुएशन है. वो फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि अपनी जान दे दी लेकिन फ्रेंड का हाथ नहीं छोड़ा. सुदामा और कृष्णा देखो कितने डिफरेंट, साथ में खेलते थे बचपन में, अब भाई एक राजा है, भगवान है, लोगों के चहिता है, और दूसरे हैं वो जैसे पहले थे वैसे ही अभी है. ओके, फिर भी वो जब मिले इतने सालों बाद तो भी वो डिफरेंस जो था वो वहां नहीं आया रिलेशन, कोई रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया. वो उसके पहले ऐसे चढ़ के मक्खन की चोरी करके खाते थे, ये वो, वही वही प्रेम से मिले वापस, ये जो वर्ल्डली जो डिफरेंस था वो डिफरेंस उनके रिलेशन के बीच में नहीं आया. दैट इज द ट्रू फ्रेंडशिप. वैसे मिलनी अभी ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, बट टफ है. ओके, कहाँ गए हम, नो वन, ओके, माई सेल्फ नहीं, वो भी नहीं, फ्रेंड्स, आई कांट ब्रिंग, वही ना, All I think about when I am with friends is having good time. हाँ, तो friend के साथ मतलब क्या? ये थोड़ा एक good time, हंसे मजाक, enjoyment, that's it. वही है. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. तो भाई मैं सब कुछ बता सकती हूँ लेकिन सब कुछ नहीं बता सकती. Like that. कि ordinary everyday things की बात कर सकते हैं, खाना खाया, ये किया, वो क्या, यहाँ गए थे, वहां गए थे, घूमा, सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द कर रहा है, ये वो, ये सब ऑर्डिनरी थिंग है. थोड़ी डीप डाउन बातें मैं नहीं कर सकती, शेयर नहीं कर सकती. मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है. क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी गलती है? दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर. कन्फाइंड का मीनिंग होता है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, मतलब तुम जिसको ट्रस्ट कर सको उसको अपनी प्राइवेट जो पर्सनल बातें है वो बताना, वो बता नहीं पा रही है, शायद इसलिए उसके कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, ऐसा वो बिलीव करती है कि शायद वो उसकी ही गलती है. क्यों? क्योंकि उसको डर है,
कि भाई सपोज कोई जजमेंटल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ्रेंडशिप टूट जाएगी, ये वो, बहुत कुछ, बहुत सारे ऐसे थॉट्स है जिसको हमने डर का नाम दिया हुआ है। तो उसने अपनी पर्सनल बातें कभी शेयर ही नहीं की, पहले से ही बिलीव कर लिया कि नहीं भाई ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसीलिए उसका कभी कोई ट्रू फ्रेंड बना ही नहीं, लाइक दैट। तो शायद शायद मे बी ये उसकी ही गलती हो सकती, मे बी, वो तो हम भी बोल सकते हैं ना कि शायद इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हम वर्ड यूज करते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब हम खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में भी खुद ही बोल सकते, उसके बारे में वो लोग सोचेंगे, हम क्यों सोच रहे हैं, तो मतलब वो क्या सोचेंगे वो भी हम ही, वो एक थॉट आया था ना कि अगर लोग क्या सोचेंगे अगर वो भी हम सोचेंगे तो लोग सोचेंगे क्या लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। बोले लेकिन ऐसा ही केस है और वो लोग चेंज होने वाले नहीं है, सिचुएशन चेंज होने वाले नहीं है, मतलब के जो है वैसा ही रहने वाला है, सो मुझे लोगों को चेंज करना नहीं है और वो होंगे भी नहीं, इससे अच्छा है मुझे डायरी ही लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी स्टार्ट की नहीं है, हम अभी उसकी व्यथा सुन रहे हैं, उसकी जो सैड फीलिंग्स है वो सुन रहे हैं। ओके, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, द क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू, उसने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पूरा जो पहले हमने पैराग्राफ पढ़ा, तो ये पूरे रीजंस है इसीलिए उसने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट किया। इतना खत्म कर लेते हैं। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, तो भाई ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था, जिस बहुत टाइम से जिसकी राह देख रहे थे और वो फ्रेंड तुम्हें मिल गया, और वो क्या था, डायरी। तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए उसकी इमेजिनेशन जो थी, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो भाई ज्यादातर लोग कैसे डायरी लिखते हैं, जॉट डाउन करते हैं, मतलब जॉट डाउन इन द सेंस नोट डाउन करते हैं क्या जो भी किया। अच्छा, सुबह 5 बजे उठे थे, 15 मिनट मेडिटेशन किया, 10 मिनट्स टॉयलेट में गए, 10 मिनट्स ब्रश किया, 10 मिनट्स नहाया, फिर पोहा खाया, ये किया, ट्यूशन गए, ये गए, वो गए, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ जॉट डाउन करने की बात है। और जो डायरी लिखते हैं उसमें मेजोरिटीली लोग ऐसे ही डायरी लिखते हैं, मेजोरिटीली, अभी की बात चल रही है, अभी जो डायरी लिख रहे हैं वो मेजरली ऐसी डायरी लिखते हैं कि ये किया, ये किया, ये किया। तो अब तुम एक साल बाद देखोगे तो तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, अच्छा एक साल पहले हमने, वो भी मिलेगी, वो भी नहीं थी तो पॉजिटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव भी लो लेवल का है कि भाई हाँ हमें याद रहेगा, याद आएगा कि अच्छा इस दिन हम यहाँ गए थे, इस दिन यहाँ गए थे, फिर हमने ये खाया था, ये पिया था, ऐसे मजा किए थे, ये वो सारी बातें याद आएगी। लेकिन उसका पर्सपेक्टिव ये करना नहीं था, उसका एम ये नहीं था, जो लोग लिख रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखना नहीं चाहती थी, वो कुछ अलग तरीके से लिखना चाहती थी, वो क्या था, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। वो किस तरह से लिख रही थी या लिखना चाहती थी, एज अ फ्रेंड, कि वो एक फ्रेंड है और फ्रेंड के साथ जैसे बातचीत करे वैसे बातचीत करना चाहती थी, अपनी फीलिंग शेयर करे, उसमें भी वो आ गया है ना, अपनी फीलिंग्स में वो आ गया, अरे तुझे पता है हम कल वहां गए थे, कि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये बताया कि तुम वहां गए थे, फिर वहां पे क्या 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 किया, तुम उसको इंपॉर्टेंट चीजें बताओगे, एकदम डिटेल्ड में नहीं बताओगे कि भाई हमने 20 रुपए की टिकट ली, फिर इसकी टिकट लेनी बाकी रह गई तो हमने वापस ये ली, फिर हम गए ये फन फेयर में गए, वो डायरेक्ट बताओगे ये फन फेयर में ये राइड अच्छी है, ऐसा डायरेक्टली बताओगे तुम, वो बाकी की चीजें नहीं बताओगे। लोग जो डायरी लिखते हैं वो बाकी की चीजें भी लिखते हैं कि यहाँ ये हुआ वो हुआ, तो तुम एज अ फ्रेंड बना रहे हो, डायरी को फ्रेंड मान के उसके साथ मतलब उसमें लिख रहे हो, उसके साथ बातचीत कर रहे हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, तो उसने नाम भी दे दिया कि ये मेरी फ्रेंड है। ओके, क्योंकि वो डायरी मान ही नहीं रही है, डायरी को डायरी नहीं मान रही है, डायरी को एज अ फ्रेंड मान रही है, फ्रेंड का कुछ नाम तो होगा, सो दैट नाम, दैट नेम इज व्हाट, किटी। ओके, तो डायरी को नाम दिया है किटी, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो हाँ, अगर हम थोड़े रेगुलर स्पीड या रेगुलर से थोड़ा
थोड़े वो उसके आसपास की स्पीड पे जाते तो शायद चैप्टर कंप्लीट हो जाता, बट हमने पार्ट वन कंप्लीट किया है, अच्छे से कंप्लीट किया है, बहुत कुछ लर्निंग्स है इसमें. ओके, तो वो लर्निंग रखनी है हमें लाइफ टाइम, सिलेबस पर्सपेक्टिव, क्लास टेन पर्सपेक्टिव तो रखनी है, लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. लर्निंग इज नॉट, हाँ अगर तुम्हें लिखने का मन हो और तुम लिखना चाहते हो, यू ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग डायरी, वो एक ही लर्निंग है ऐसा नहीं है, बहुत सारी लर्निंग्स है. तुम्हें सारी अच्छी लगे तो सारी ले लो, या फिर जो अच्छी लगे वो पिकअप करो और उस पर काम करो, बट एटलीस्ट वी हैव टू बी कॉन्शियस इनफ सो दैट अवर लाइफ विल बी हैप्पी, ब्यूटीफुल, पीसफुल. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट टुमारो विल बी डिस्कस. ओके.